तूने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, ब्रेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जरीना जरीना क्या हो गया, खैर तो है, क्यों रो रही हो? क्यों बोला, मैं नहीं रो सकती, मेरे सीने में दिल नहीं है क्या? नहीं, सीने में तो दिल है लेकिन आंखों में ना पानी नहीं है। अरे पापा मैं आटर प्रूफ रो रही हूँ। सही सही बताओ क्या वजह रोने की? जाने तुम्हें पता है, आधा बच्चू जो ना मुझे गांव वापस भेजने की बातें कर रहे हैं, कितने दुख की बात है। दुख की तो आपके लिए होगी, हमारे लिए तो खुशी की बात है। अरे बाबा जरीना अब रोना बंद करो और गांव जाने की तैयारी करो। बाबा बच्चू भाई जरीना ऐसी क्या गलती कर दी? अरे बाबा तुम हम दोनों के बीच में टांग नहीं अड़ाओ बिल्कुल भी। मैं पागल हूँ जो टांग अड़ाऊंगा? मेरी एक टांग में तो वैसी रॉड डली हुई। जानी तुमने बताया नहीं, अब आधा कुछ भी हमें अपना फैसला नहीं बदलूंगी। लो ये तीन दिन से कपड़े नहीं बदले, फैसला क्या खाक बदलेगी ये? आधा देखो पापा मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, अभी माफ कर दो। वादा है बाबा? वादा। ठीक है बाबा फिर गांव जाने की तैयारी करो। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। बच्चू भाई आखिर बता दे गांव क्यों भेजना चाह रहे जरीना को? अरे बाबा जब देखो मेरी बीवी से लड़ती रहती है, जब देखो। खबरदार जो बीवी के चक्कर में बहन को कुछ कहा, वरना मैं बहन के चक्कर में बीवी को कुछ कह दूंगा। क्या? मेरा मतलब है कि जाए अंदर जाए, बीवी को खत्म करे। मेरा मतलब है बात को खत्म करे। अच्छा बाबा देखता हूँ मैं क्या हो सकता है। जाने जोनू का गुलाम हो गया है, मैं बीच को छोड़ूंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम देख लेना। अजी पागलों के घर में मैंने नौकरी कर ली है, या अल्लाह मुझे कोई अच्छा घर नसीब अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अरे बाबा सीमा तुम परेशान मत हो, मैंने जरीना को डांट दिया, अब नहीं करेगी वो। डांटने से काम नहीं चलेगा, उसे फौरन गांव भिजवाओ बस। अरे बाबा फौरन तो बस भी नहीं जाती, उसे भी टाइम लगता है ना। मैं कुछ नहीं जानती, बस मैंने कह दिया गांव भिजवाओ तो भिजवाओ। अरे बाबा बहुत डांटा है, बस करो ना। बाजाई तुम परेशान ना हो, मैंने तैयारी कर ली है गांव। अरे नहीं बाबा यहाँ रहने की। देख रहे ना बच्चू तुम, देख रहे हो? अरे भाजाई तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। अरे बाबा तो मैं क्या करूंगा? तुम ओवर टाइम कर लेना। वादा करो अब तुम कभी भी मुझसे बदतमीजी नहीं करोगी। अरे नहीं करूंगी, अगर गलती से हो गया तो माफ कर देना। अरे बाबा वादा करो, चिल्ला कर बात नहीं करोगी? वादा करती हूँ, अब खुद ब खुद अगर चीख जाओ तो फिर माफ कर देना। कभी भी मेरे साथ जुबान दराजी नहीं करोगी? नहीं करूंगी, अगर खुद ब खुद हो जाए तो माफ कर देना। अरे बाबा अब तुम गलती से भी गलती नहीं करोगी? अब गलती नहीं करूंगी, अगर गलती से गलती हो जाए तो भी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। अरे बाबा कितना जुल्म कर रहे हो तुम दोनों मिलके, मैं अभी बाबा साई को फोन करके बुलाती हूँ। ना तुम जोरू का गुलाम हो गए हो, तुम दोनों ने जुल्म कर करके मुझे कमजोर कर दिया, मैं बाबा को बुलाती हूँ। अरे सीमा बच्ची बिचारी रो रही है, अब माफ कर दो। रोने दो इसे, बस मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए, इसे फौरन गांव भिजवाओ। दिमाग खराब किया इसे मेरा? बाबा छोड़ो लानत भेजो ना बाबा। ये आधा घर मेरा भी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चले जाओ यहाँ से तुम भी। बाबा गुस्सा आ रहा है तो क्या हुआ, मेरा घर है आधा, घर में देखता हूँ। आए हाय ये लो। हाँ भाई कितने पैसे हो गए? ये लो, चलो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, चले जी। ठीक है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा। मेरे पास तो कुछ नहीं है। देख लो बाबा कोने खांचे में पड़े होंगे। एक बात सुनो, अगर मैं तुमको 5,000 दे दूं तो कैसा है? मैं तो खुशी से मर जाऊंगा बाबा। जा फिर, मेरे पास नहीं है, जिंदा रह तू। ये क्या बात हुई? एक तो तेरी जान बचाई, ऊपर से कह रहा क्या बात हुई? बाबा घर से थोड़ा सा आटा ही ला दो, आज हमने ना चावल पकाए। बाबा चावल ही दे दो, दाल अकेली हो जाएगी। रात का बचा हुआ सालन ही दे दो। जाहिल आदमी है, रात का बचा हुआ था दाल चावल क्यों पकाते? तो बाबा 10 रुपए ही दे दो। रखवाए थे क्या? तो तू क्या देगा भाई? दुआएं दूंगा, अल्लाह तुझे तरक्की दे। ये तो काम कर, ये पकड़ मुझसे 100 रुपए और कुछ खा लीजियो। वाकई बात सुनना, फिर कब मुलाकात होगी? मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊंगा।
अजीब आदमी, एक तो दुआएं दे रहा हूँ ऊपर से इस तरफ। चल मेरे को क्या रेस लगाएगा हमसे? हाँ आप जीत जाओगे यार। क्या यार बाबा तेज चलाते हैं बाबा जानी। बच्चू भाई उधर मुड़ना, बच्चू भाई उधर उधर। शाबाश बच्चू भाई, ऐसे ये देखे ऐसे ऐसे टेढ़े रखते। चलो बाबा इधर आओ, इधर आओ, टर्न करें, टर्न करें, इधर आओ, इधर आओ बाबा, इधर आओ, टर्न टर्न पूरा टर्न करें, इस तरफ जाएंगे बाबा, इस तरफ। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है? हाँ बाबा जी, क्या कर दिया? एक दो तीन, तीन चार चार। अरे बाबा ये कौन सी एक्सरसाइज करा रहा है तुम? बच्चू भाई एक्सरसाइज उठक बैठक नहीं चाहिए। वन टू ऐसे। एक मिनट बाबा हम चेक करता है। करे करे अल्लाह बाबा, नहीं नहीं बाबा ये नहीं, लचक आ जाएगी, छोड़ो छोड़ो। हाँ, ये नहीं हो सकता है बाबा। एक काम करता हूँ मैं, जरा वो दौड़ लगा के आता हूँ। दौड़? हाँ बाबा वो नहीं ऐसे जॉगिंग। हाँ बाबा वही 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 मैं लगा के आता हूँ। लगाए? हाय हाय। सीमा मैडम ने किस काम पे लगा दिया हम लोगों को, मैं भी थोड़ी ट्राई करता हूँ। बैठ के ही कर लेता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ यूट्यूब पे मैं देख ही लेता हूँ एक्सरसाइज। ये होती है एक्सरसाइज। ओए होए होए मुर्गा। अरे बाबा थक गया है। सीमा किधर? अरे बाबा अरे बाबा, अरे अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता है क्या? मैं तो अंधा हूँ, तुझे नजर नहीं आता कि मैं अंधा हूँ? अबे यही तो कह रहा हूँ बाबा, तुम अंधा है क्या? हाँ मैं तो असली में अंधा हूँ। अरे बाबा लगी तो नहीं है कहीं? लगी है, दिल की लगी है। चले बाबा अस्पताल चले। नहीं 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 नहीं, पहले पानी पिलाऊंगा। अच्छा बाबा चलो, बाबा चलो फिर। घर बच्चू भाई ये कौन है? अरे बाबा बाबरा शरीफ है, नजर नहीं आ रहा है, अंधा है बाबा। चलो इसको लेकर चलो, पानी पिलाओ। नहीं मेरा मतलब क्या हुआ क्या है? बाबा दिल पे लगी है। तो गाड़ियों लेके जाओ, घर क्यों लेके जा रहे हो? अरे नहीं बाबा, इसको पहले घर लेकर जाएंगे, पानी पिलाएंगे, वरना लोग क्या कहेंगे, मरने से पहले पानी भी नहीं पूछा है। आराम से आराम से बाबा, ये ले रहा हूं मैं। हाँ बाबा अब कुछ सुकून मिला? ये पानी कुछ फीका फीका नहीं है? हम अपने घर की टैंकियों में चीनी नहीं डालते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लाल वाला शरबत ही बना देते कम से कम। अरे बाबा तुम्हें शरबत की नहीं सिरप की जरूरत है। अदा ये बला कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? तुम दोनों इतनी शक्ल की खूबसूरत लड़की को क्यों डांट रहे हो है? भाई तुम अंधे हो ना, इसलिए तुम कह सकते हो खूबसूरत। अरे बाबा तुम्हें कैसे पता कि ये खूबसूरत है? तुम तो अंधा है। पाकिस्तानी हूँ ना, तुक्के लगा रहा हूँ। आपका तुक्का बिल्कुल ठीक है, वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। आप यकीन हो गया बाबा, आप खुश है तुम? हाँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना है, खाने को। यही सवाल मैं आपसे अभी करने ही वाला था। जाने घर आए हुए अंधे के साथ बला के ऐसा सवाल करते हैं? आप दोनों से ज्यादा तो ये लड़की शक्ल से समझदार लगती है। बाबा तुम्हें कैसे पता, तुम तो अंधा है। अभी बताया ना मैंने आप लोगों को, पाकिस्तानी हूँ, तुक्के लगा रहा हूँ। तुक्के? वे तेरे सारे तुक्के सही लग रहे। अबे तू अंधा है भी के नहीं, या हमें बना रहा है? हाँ अंधा हूँ, 100% अंधा हूँ, सूंघ के देख लो। सूंघ ले? अब आधा छोड़ो ना भला, अब बेचारे को अंदर ले चलते, खाना खिलाएंगे तो सबब मिलेगा। हाँ बाबा ये ठीक है, चलो बाबा उठाओ। चलो भाई लाल वाला शरबत ही बनाना है, लाल वाला। चलो बाबा चलो। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अदा किसी गरीब को खाना खिलाने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अरे बाबा तभी तो इसको लेकर आया हूँ मैं खाना खिलाने के लिए। चटनी मिलेगी? चटनी मिलेगी? कौन सी, पुदीने की या लहसुन की? आलू बुखारे की, आलू बुखारे की। अरे बाबा वो तो हम जब शादी में जाते हैं ना तभी खाते हैं। बच्चू बच्चू कौन है ये? अरे बाबा अंधा है बेचारा, भूख लगी थी, खाना खिला रहा हूँ। वाकई अंधा है ना, वरना आजकल के लोग झूठ बोल के घर घुसते और चोरी करके भाग जाते हैं। ऐसा अंधा नहीं हूँ मैं, खानदानी अंधा हूँ मैडम, खानदानी। अंधा है अंधा, तभी तो इसको मैडम बोल रहा है।
बाबा ये रहा चमचा, ये बाबा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ चमचा रखा है? पाकिस्तानी हूँ ना, तुक्का लगा रहा हूँ, तुक्का। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। बच्चों तुम मेरे साथ आओ। जरीना ये खाना खा ले तो इसे बाहर का रास्ता दिखा देना। अंधा है भला, इसको बाहर का रास्ता कैसे दिखाऊंगी? ओहो, मेरा मतलब है बाहर छोड़कर आ जाना। चलो बच्चों। हाँ चलो बाबा, चलो देख लेना बाबा। आप आराम से खाओ, आराम से। चाय लेकर आओ। नहीं, कॉफी, कॉफी पीऊंगा। कॉफी ठीक है, चीनी के बगैर या चीनी के साथ? पीगा पीगा। करीम डाल देना, करीम उसमें। हाँ भी कर दिया औरत ने। लो जी, ये यहाँ आराम फरमा रहे हैं। अरे बाबा, इसको यहाँ लाया कौन है कमरे में? वो जरीना कह रही है जबरदस्ती घुसाया और कह रहा है पहले मैं आराम करूंगा फिर जाऊंगा। बाबा चादर हटाओ। अरे बाबा अंधे साहब, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? तमीज नहीं है क्या? किसी सोते हुए अंधे को इस तरीके से उठाते क्या? इतना खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। अरे बाबा, अंधा कैसे ख्वाब देख सकता है? असली अंधा हूँ क्या, ख्वाब नहीं देख सकता क्या? जरीना बता रही थी कि आपने बताया कि आप खानदानी अंधे। हाँ, मेरा दादा भी अंधा था, मेरा बाप भी अंधा था, मैं भी अंधा हूँ, अंधा हूँ। अरे बाबा, आप किसी सर्कस में काम करते हैं क्या? नहीं तो। अच्छा, तो फिर आप क्या करते? मैं ड्राइवर हूँ, बस चलाता, बस 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 चलाता हूँ। मगर तुम तो अंधे हो। हाँ, तो अंधे ही तो बस चलाते हैं। अच्छा ये बताओ, लोगों का क्या होता? वो खुद बचते। अरे बाबा, ये तो बहुत जुल्म है। अरे भाई जाओ ना, रॉन्ग करने दो। देखो ना टाइम क्या हो रहा है। भाई तुम्हें कैसे पता चला यहाँ घड़ी? हाँ, वो कमरे में घड़ी टंगी होगी ना, मुर्गी थोड़ी लटकी होगी। चलो आराम करने दो, जाओ जाओ जाओ, सोने दो। अच्छा भाई, ये क्या मुसीबत ले आए? अरे बाबा, मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ, ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया, यहाँ कैसे आया? मैं तो कह रहा हूँ लानत भेजे इस पे। आइए आओ, मैं समझाता हूँ तसल्ली से। क्या पाल लिया हमने? मुझे तो कोई भी बात ना करे, बस। बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन बात तो बताए मुझे, समझ नहीं आ रही मुझे तो कुछ। आखिर इस मुसीबत को यहाँ लाया कौन था? बच्चू अंकल से पूछे आप। अरे बाबा, मैं तो तरस खा कर ले आया था। तुम तरस खा के ले आया और वो घर का सारा राशन खा जाएगा। हाँ, अभी सो के उठेगा ना तो नाश्ता भी मांगेगा। मुझे तो कोई फ्रॉड लग रहा है ये। तो बाबा अब क्या करें बताओ ना। पुलिस वाले भी यही बोलेंगे कि हमारी गलती है, फिर वो कुछ मांगेंगे तो कहाँ से दोगे? बच्चू भाई, क्या मुसीबत पाल ली आपने? अरे बाबा, मुझे क्या पता, मैंने कहा कुछ मदद करेंगे तो दुआ देगा। एक काम करते हैं, बेग साहब को कॉल कर लेते हैं। अरे बेग साहब तो बेकार आदमी, वो भला क्या करेगा? तुम तो चुप करो, मुझे लगता है कि हो सकता है वो हमारी मदद करे। देख रहे हैं आप? मेरे मेरे को काम याद आ गया। इसको क्या काम याद आ गया? अच्छा जानी बाबा, एक काम करो, फौरन से राशन छुपा दो सारा। नहीं नहीं, खिलाओ खिलाओ, दुआ देगा। बतला के मेरे सर पे रख दिए। गुस्से में है बाबा, कुछ करो ना जानी, तुम ही कुछ करते हो, करो ना बाबा। एक मिनट, मैं जो दिमाग लड़ा रहा था, मैं क्या करूं? दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास। अरे यार, कहाँ रह गए बेग साहब? अरे बाबा, पता नहीं कब आएंगे यार। बच्चू क्या हुआ, बेग साहब को फोन किया? हाँ बाबा, जरीना ने किया था, बस आने वाले होंगे। वो अंधा तो अंदर ऐसे सो रहा है जैसे 3 महीने से सोए ना हो। मुझे तो वो कोई फ्रॉड लगता है। अस्सलामुअलैकुम बाबा। अरे भाई खैरियत तो है, मुझे अचानक इतनी जल्दी बुलाने की क्या वजह बनी? बेग साहब, ये पूछना था कि अगर हाफ फ्राई अंडे के ऊपर काली मिर्ची डाली जाए तो टेस्ट में कोई फर्क तो नहीं आएगा? अरे भाई मुझे क्या पता, मैं तो अंडा खाता ही नहीं हूँ। और क्या तुम लोगों ने मुझे अंडे के लिए बुलाया? अंडे के लिए नहीं, अंधे के लिए बुलाया है। तो भाई मेरी कौन सी चश्मों की दुकान है? अरे बाबा, एक अंधा जो है वो हमारे घर आ गया है। लेकिन मैं तो देख सकता हूँ। अरे भाई, हम अकल के अंधे की बात नहीं कर रहे, आंखों के जो अंधा है ना उसकी बात कर रहे हैं। बेग साहब, हमारे घर में एक अंधा घुस गया और निकलने का नाम भी नहीं ले रहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो घर में घुसा कैसे, क्या दरवाजा खुला हुआ था? नहीं, बच्चू लेकर आया उसे तरस खाकर। अच्छा,
बेग साहब कुछ किसी तरीके से उसको निकालें, लेकिन हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। क्या? नहीं कुछ कुछ नहीं, ऐसी ऐसी। अरे बाबा, हमारा मतलब है आप हमारी मदद करेंगे ना? भाई बात यह है कि आजकल लोग अंधे बन के घर में घुस जाते हैं और फिर सारा माल लेकर निकल जाते हैं। आपको कैसे पता? इनके जानने वाले होंगे ना। मतलब कुछ करे बेग साहब, करे। है कहाँ वो? बाबा अंदर है, अंदर। अच्छा मैं देखता हूँ। अरे भाई आप लोग भी तो आए ना मेरे साथ, आइए आइए। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे भाई जरीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बेग साहब, आप भला यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं तो अंधे को देख रहा हूँ। अरे बाबा अंधा कमरे में, आपको दिख नहीं रहे? अरे भाई अंधा मैं नहीं, अंधा वो है। अरे बाबा मुझे तो आप लग रहे, तभी तो आपको मिल नहीं रहे। बेग साहब ये बताओ वो पकड़ा गया? नहीं भाई मुझे तो नहीं मिल रहा। अंधे है क्या आप? अबे भाई अंधा मैं नहीं हूँ, अंधा वो है। अरे बाबा मुझे तो लगता है कि वो काम दिखा के चला गया है। हाँ हाँ लगता तो मुझे भी यही है। बेग साहब देखें, घर में कोई चीज चोरी हुई ना तो मैंने आपसे पूछना है। क्या मैं उसका पार्टनर हूँ बराबर का? अरे बाबा हो सकता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मुझ पे शक करते हैं। आइंदा खबरदार जो मुझे फोन किया, जा रहा हूँ मैं। बेग साहब लगता है पुलिस नाराज हो गई। अरे छोड़ो भला, ये बेग साहब तो बात बात पे छोकरियों की तरह नाराज हो जाते हैं। जरीना मुझे लगता है मुझसे कोई भंड हो गया। क्या? वो एक कंपनी की ना पेमेंट मिली थी, वो मैंने एक बैग में रखी थी, अब वो बैग ही नहीं मिल रहा। क्या ये क्या कह रहे हो जानी? अब तो सीमा मैम मुझे नहीं छोड़ेगी। अच्छा है तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना बना के आंखों में लगाएगी। आओ मेरे साथ चलो, मिल के बताते हैं। गलत काम कर दिया। बच्चों तुम भी हमेशा ऐसे ही काम करना जिससे मुझे परेशानी हो। अरे बाबा मैं क्या करता, मैं तो रेम खा कर लाया था ना। अदा 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 गजब हो गया। अरे बाबा कितने पाउंड का, मेरा मतलब है क्या हुआ है? बच्चों भाई वो कंपनी की पेमेंट का बैग था, अब वो नहीं मिल रहा। क्या? क्या? तुम खा लो उसमें रहम, कर लो उसमें तरस। अरे बाबा वो बेग साहब किधर है? अरे बाबा वो तो नाराज होकर चले गए। यकीन करो मैंने कुछ भी नहीं बोला। अरे बाबा एक तो बड़ा जनाना पुलिस वाला है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है। सब बातें छोड़े ये बताए अब करना क्या है? बच्चू से पूछो, यही लेकर आया था उसे घर में। अरे बाबा मुझे क्या पता, पता करो जानी क्या करे, पैसे कितने थे उसमें? मुझे क्या पता, मैंने खोल के थोड़ी देखा। बच्चू जाओ भाई, देखो हो सकता है बाहर ही हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, जाओ। चलो चलो बाबा चलो। पूरा बैग लेके चला गया। पूरा बैग लेके चला गया तो फिर शॉपिंग वाला कहां से करेंगे? तुम्हें शॉपिंग ही पड़ी हुई है यार। बाबा अब क्या होगा? अरे भाई आप लोग सारे ऐसे क्यों बैठे, क्या सबके सरों में दर्द हो रहा है? आप मालिश कर दें। बहुत अच्छे काम आपका करूं मैं। अरे भाई आप ये बताएं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? अरे भाई दरवाजा खुला था ना, बंद रखा करे, चोर घुस जाते घरों में। हाँ तो फिर तभी तुम अंदर घुस आए। अरे भाई मैं आपको चोर लगता हूँ? नहीं बाबा लगते तो डाकू हो, हम चोर कह रहे हैं। अरे भाई अब मैं आपको क्या बताऊँ, यही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। अब देखो ना मेरे ताया का लड़का अंधा बनकर घर में चोरियाँ करता है, मेरे घर में घुस गया, सारा सामान लेकर चला गया। वो अंधा आपका रिश्तेदार है? और क्या, अंधा है नहीं, अंधा बनकर चोरियाँ करता है। शौकत भाई वो अंधा हमारे घर में भी घुस आया था। हाय अल्लाह, फिर क्या, कंपनी की सारी पेमेंट लेके चला गया। ओहो भाई बहुत अफसोस हुआ, चलो दुआ कर लेते। किस चीज की? अरे भाई पेमेंट की और किस चीज की? अरे बाबा दुआ तो मरने पे करते हैं ना। तो पेमेंट नहीं मरी? बाबा वैसे ये अंधा था कौन? मेरा ताया का लड़का था भाई, चोर कहीं का। बाबा हमारे पैसे हमको वापस चाहिए। अरे भाई वापस तो मेरे पैसे आज तक नहीं मिले, आपका कैसे मिल जाएंगे भाई? बच्चू जाने ताया का लड़का ना सही लेकिन चाचा का लड़का तो है ना, इसी से वसूल कर लो। हाँ जरीना बिल्कुल सही कह रही है। बच्चू जाने। बाबा पकड़ो शाकत, पकड़ो पकड़ो ना पकड़ो, बैठो इधर कबाड़ की तो मैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गाड़ी चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। अरे बाबा इतनी जल्दी नहीं मिल सकती है, गाड़ी ढूंढनी भी तो पड़ती है। तो ढूंढो ना, कुछ करो, जाओ। क्या जाने तुमसे एक काम नहीं हो सकता? गाड़ी को जेब में थोड़ी रखी हुई है, टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है। अरे बाबा तो जल्दी करो ना। हाँ जाने
सारे काम छोड़ो और बस इसी पे फोकस करो। हाँ बाबा, कोई अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी दिखाओ। भला उस गाड़ी में हम लोग घूमने के लिए जा सकते? हाँ हाँ, पूरा खानदान जा सकता है। क्या मतलब, उस गाड़ी में इतनी जगह होगी? अरे मैडम, जगह ही जगह होगी। अच्छा बाबा, हम उसमें दूध की बाल्टियां रख सकते? अरे बाबा, 1 करोड़ रुपया है, मजाक थोड़ी है। अदा, मैंने तो गाड़ी में घूमना भी शुरू कर दिया था। एक काम करते हैं, क्यों ना छोटी गाड़ी ले लेते हैं। हाँ बाबा, गाड़ी छोटी हो या बड़ी, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, मुझे तो बड़ी गाड़ी ही चाहिए बस। हाँ बाबा, ये वाली भी अच्छी है, लेकिन बाबा ये वाली अच्छी है, बताओ कितने की देनी है? दूंगा नहीं, बेच रहा हूँ। मतलब बाबा, वही मेरा मतलब है, कितने पैसे बाबा? फाइनल 20 लाख में। 20 लाख में बाबा, डन करो। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।